पे जाके और ये लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही ये बेल आइकन आएगा और इस पे आप क्लिक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ए में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगले वीडियो में कार के स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करें इस पे वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आज कार के ही स्टीयरिंग को कंट्रोल करने पे वीडियो बनाने आया हूँ। तो आपका ज़्यादा समय ना खाते हुए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टीयरिंग दो तरह के होते हैं, मैनुअल स्टीयरिंग, दूसरा पावर स्टीयरिंग। मैनुअल स्टीयरिंग जैसा आपकी ट्रक वगैरह में मिल जाते हैं, जो आपको वो लोग खूब ऐसे और ऐसे करके मोड़ते हैं, तब जाके उनका ट्रक वगैरह या कोई गाड़ी मुड़ती है, जो बिना पावर स्टीयरिंग की होती है। जो पावर स्टीयरिंग होते हैं उनमें गाड़ी आपकी बहुत ही स्मूथली मुड़ जाती है और उसको चलाने में भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। जो पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी होती है, और जो मैनुअल गाड़ियां होती हैं उनको मोड़ने में, जब तक वो गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो जाएगा और वो थोड़ा गर्म नहीं हो जाएगा, तब तक उनके स्टीयरिंग को मोड़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं और आपका ताकत भी बहुत लगती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टीयरिंग पकड़ने के क्या तरीके होते हैं। देखिए, ये मेरा एकदम सीधा स्टीयरिंग है, इसको आप दो तरह के तरह से पकड़ सकते हैं। ये 9:15 और ये 10:10, 10:10। ये 9:15 और ये 10:10। अगर आप जो नए ड्राइवर्स होते हैं उनको 9:15 पे ही पकड़ेंगे, यानी कि 9:15 पे गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ेंगे, तो उनको बहुत ही आसानी रहेगी और उनको कोई गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर मैंने स्टीयरिंग दोनों हाथ से पकड़ लिए तो फिर भाई गियर कैसे चेंज करूंगा, या फिर इंडिकेटर कैसे जलाऊंगा, या ये इसका वाइपर कैसे चालू करूंगा। तो उसका एक तरीका है, ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे स्टीयरिंग पकड़ना और अपनी दो उंगलियां आगे करनी है और इसको देखिए ऊपर कर दीजिए, ये चल गया वाइपर। और ये इधर से आइए, ये देखिए इंडिकेटर राइट हैंड साइड पे, इसको मैंने एक उंगली बाहर की और इसको ऊपर की तरफ कर दिया, मेरा इंडिकेटर जलने लगा। वैसे नीचे करने का आपका स्टीयरिंग क्या नाम इंडिकेटर जलने लगेगा। अब फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैं गियर कैसे चेंज करूंगा, तो जैसे ही आपको कहीं आगे जाम दिखे थोड़ी दूर से, तो आप क्लच दबा के एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़िए राइट हैंड हाथ से, और लेफ्ट हैंड हाथ को लाइए अपने गियर बॉक्स की तरफ, क्लच दबा के तीसरे गियर पे, तो दूसरे गियर पे ले आइए गाड़ी। और यही आप मोड़ पे कर सकते हैं कि आपको अगर आगे मुड़ना है तो आप खटाक से क्लच दबा के तीसरे गियर से आप दूसरे गियर पे गाड़ी ला सकते हैं। और इस गाड़ी का को स्टीयरिंग वाली गाड़ी को चलाने में आपको कोई समस्या नहीं पैदा होगी, क्योंकि अब आजकल तो देखा जाए वैसे भी पावर स्टीयरिंग तो 90% गाड़ियों में आ चुकी है, क्योंकि ये इसकी लॉन्चिंग बहुत ही लंबे स्केल में 2004 और 2005 के बीच में हुई थी। तब से ये बहुत ही इंडिया में सक्सेस हुई है और अधिकतर आपको सारी गाड़ियों में दिखेगी ये। तो थोड़ा अब हम आपको चला के दिखाते हैं गाड़ी। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट की, ये हैंड ब्रेक नीचे, ये पहला गियर, और ये देखिए मैंने क्लच छोड़ा। अभी देखिए गाड़ी का स्टीयरिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस पकड़े हूँ ऐसे 9:15 जैसे बचता वैसे। और देखिए एक्सीलेटर लिया, पहला गियर, दूसरा गियर, क्लच दबा के, और क्लच पूरा दबाइएगा बस, यहाँ से कुछ नहीं, क्लच दबा के गाड़ी धीमे, सेकेंड गियर और कुछ नहीं। ये आपकी मोड़ पे निर्धारित करता है कि आपका कितना स्टीयरिंग मुड़ेगा, देखिएगा। बस मैंने इतना किया, हाफ स्टीयरिंग मोड़ा और देखिए पूरी गाड़ी मुड़ गई। देखिए, मैं कम से कम 4 साल से कार अपनी चला रहा हूं, तो मुझको मालूम है मेरी गाड़ी कितनी उस पे मुड़ेगी और कितने पे नहीं मुड़ेगी।
अब ये देखिए मैंने फिर स्टेयरिंग अपना थोड़ा सा मोड़ा और गाड़ी मुड़ गई। अब देखिए थोड़ा सा मोड़ा, बस आपको जिस हिसाब से मोड़ हो आपकी उस हिसाब से आपको स्टेयरिंग मोड़ना है बस, और उसमें कुछ कार्यस्थानी नहीं करनी है, ठीक है ना। और आजकल के पावर स्टेयरिंग, बस हल्का सा आप स्टेयरिंग मोड़िए गाड़ी मुड़ जाएगी पूरी। और कहीं मोड़ पे पहले हॉर्न दीजिए और फिर हल्का से देखिए, हल्का सा स्टेयरिंग मैंने ऐसे मोड़ दिया, देखिए गाड़ी मुड़ गई है, हल्का सा मोड़ था। ये आप पे निर्धारित करता है और आपके मोड़ पे निर्धारित करता है कि आपको स्टीयरिंग कितना मोड़ना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भाई चलाने में, मेरा ख्याल यही कहता है। और फिर एक्सपीरियंस आपको गाड़ी चलाते चलाते इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप स्टीयरिंग बहुत आराम से संभाल लेंगे। स्टीयरिंग को बस कुछ नहीं कर, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्टीयरिंग सीधा हुआ पकड़ा हुआ है मैंने, और ये देखिए बस गाड़ी चल रही है, ठीक है मेरा एकदम है स्टीयरिंग सीधा है। आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी ट्रिक समझनी है स्टीयरिंग की बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा ज़्यादा मोड़ पर लिए चलता हूँ, अब ये देखिए यहाँ से जैसे मुझको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी मोड़ना है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का इंडिकेटर लिया और हल्का सा बस स्टीयरिंग मोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बड़ी मोड़ है बस। अब इससे ज़्यादा मेरी स्टीयरिंग मुड़ गई पूरी, देखिए पूरी गाड़ी मुड़ गई। और आजकल की गाड़ियों में एक चीज़ और होती है, आप जैसे गाड़ी मोड़ेंगे आप स्टीयरिंग छोड़ देंगे, पूरा आपका स्टीयरिंग वहीं पर आके जैसे पहले था सीधा एकदम होके रुक जाएगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ से टर्न ले लिया, बस हल्का सा स्टीयरिंग मोड़ा कुछ नहीं किया और फिर मैं सीधे आ गया। अब ये देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी एकदम चल रही सीधी साधी है ना। अब ये देखिए आगे से एक टर्न है राइट हैंड साइड का, अब यहाँ से आया राइट हैंड साइड का एक टर्न। अब ये देखिएगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस हल्का सा मैंने स्टीयरिंग राइट हैंड साइड से अपनी तरफ खींचा और ये देखिए अभी भी गाड़ी नहीं मुड़ी, ये देखिए मेरी गाड़ी नीचे उतर गई। अब ये देखिए अब यहाँ से मेरी गाड़ी पूरी मुड़ गई, अब देखिए तुरंत स्टीयरिंग सीधा कर लीजिए या तो वो खुद ही अपने आप सीधा हो जाएगा। और स्टीयरिंग से आपको अपना कंट्रोल नहीं खोना है, ठीक है। और पावर स्टीयरिंग में बस हल्का सा आप स्टीयरिंग मोड़ेंगे तुरंत स्टीयरिंग गाड़ी मुड़ जाएगी, और गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम सीधा रखना है स्ट्रेट, कहीं नहीं मोड़ना है, जब जरूरत हो तभी मोड़ना है। अब मैंने राइट हैंड साइड का इंडिकेटर दिया, अब देखिएगा मेरी यहाँ से गाड़ी में कितने स्टीयरिंग से कितना मैं स्टीयरिंग मूव करता हूँ कि मुड़ जाएगी। दो बार स्टीयरिंग मूव किया मैंने, वैसे हो तो ये एक ही बार में जाता लेकिन मैंने तब भी दो बार कर दिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता हूँ, बस मेरा स्टीयरिंग इतना मूव होगा एक बार, गाड़ी मुड़ गई, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको खुद ही ये मालूम चल जाएगा बाद में आपको स्टीयरिंग कितनी स्पीड से आपको स्टीयरिंग मोड़ना है, कि जितनी गाड़ी तेज होगी उतना ही धीमे आपका स्टीयरिंग मुड़ेगा और जितना ही धीमी आपकी गाड़ी होगी उतनी ही तेज आपका स्टीयरिंग मुड़ेगा, ठीक है। और पावर स्टीयरिंग होता ही बढ़िया है ना। अब देखिए सामने से साइकिल वाला आ रहा था लड़का, मैंने अपना हल्का सा स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी मेरी मुड़ गई। अब आगे से थोड़ा राइट हैंड साइड मुड़ना है,
अब यहाँ से राइट हैंड साइड मुड़ना, देखिए कितने में गाड़ी मुड़ेगी मेरी। मैंने क्लच दबाया, हल्का सा ब्रेक लिया, राइट हैंड साइड वाला इंडिकेटर दिया और एक ये दो, और ये मुड़ गई पूरी गाड़ी मेरी, क्योंकि यहाँ मोड़ छोटा था। पहला गियर फिर राइट हैंड साइड वाला इंडिकेटर, अभी देखिएगा एक, और मेरी गाड़ी पूरी मुड़ गई। अभी लगा दूसरा गियर। आपको मैं एक बात और बता दूं कि एक बार में आपका पूरा स्टेयरिंग नहीं मुड़ेगा। बोले तो ये देखिए, ये सीधा है पूरा इस समय स्टेयरिंग है। मैंने ये गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, ये देखिए एक दो, दो बार में पूरा स्टेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा। यही चीज राइट हैंड साइड में होगी, ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठानी है, एक दो, ठीक है, दो बार में पूरा स्टेयरिंग मुड़ता है। और हाँ, आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप, बहुत लोगों के दिमाग में आती है बात कि ये कैसे पता लगाएंगे कि मेरी गाड़ी एकदम सीध में है। तो साहब एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप ऐसे कर सकते हो, देखिए स्टेयरिंग मेरा एकदम टाइट हो गया। आप एक चीज कर सकते हो, ठीक है, अब आप ये चीज कर सकते हो इसमें। अभी जैसे मान लीजिए ऐसे है, यानी कि मेरी एक बार गाड़ी मुड़ी हुई है पूरी, मतलब एक बार है, अभी दो बार में नहीं है, है ना। तो आप इस अनुभव ये भी लगा सकते हैं, ये देखिए दूसरी बार ये हो गई, यानी कि एक दो, स्टेयरिंग एकदम सीधा। अभी देखिएगा गाड़ी मेरी एकदम सीधे चलेगी, ये देखिए सीधी चली। यही चीज आपको राइट हैंड साइड से करनी है, ठीक है। और दूसरा तरीका, अगर आपका स्टेयरिंग थोड़ा मुड़ा हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करूं मैं, तो हल्का सा गाड़ी स्टार्ट कीजिए, पहला गियर लगाइए, हैंड्स ब्रेक नीचे करिए और गाड़ी हल्का सा चलाइए आगे, तो गाड़ी खुद ही मूव करने लगेगी। अभी देखिए, अभी मेरी गाड़ी एकदम सीध में आ गई, ठीक है। और घबराइए नहीं किसी चीज से, आजकल की गाड़ी के स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग आ गए हैं और की है, आराम हो गई है, ठीक है। तो ये थे कुछ नियम जिससे आप गाड़ी चला सकते हैं स्टेयरिंग से। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलें, और इससे ज्यादा अगर पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलें। अगर सबसे अच्छा लगा हुआ तो सब्सक्राइब करना जी मत भूलें, आपकी महान दया होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।